एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर एडवांस मेकअप क्लास चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके चेक इन कर सकते हैं। एडवांस मेकअप क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है और जो कि बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आपको पे नहीं करना। आपको बस वीडियोज़ देखने हैं, कॉपी करने हैं, थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट ये मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो और डायग्राम देख के आप अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको ये डायग्राम जरूर से अपनी कॉपी में बनाना है, अपनी डायरी में बनाना है। इसमें फेस के जो पार्ट्स हैं, कंप्लीट पार्ट्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं जिनकी ज़रूरत हमको मेकअप करते टाइम पर पड़ती है, और मेकअप करते टाइम पर हमें ये नाम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस नाम के अकॉर्डिंग ही हमें ब्रश चलाना आएगा, हमें कलर एप्लीकेशन करना आएगा, किस पार्ट पर कौन सा ब्रश चलेगा, किस पार्ट पे कौन सा कलर डलेगा। इसलिए हमको ये नाम लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डायग्राम देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है जो कि लोगों ने हाथ से डायग्राम बनाए हुए रहते। ये एक प्रोफेशनल एडवांस बुक से मैं ये वीडियो आपको बता रही हूँ, तो आप ये ज़रूर से इसको बनाइए। और ये जो मेकअप कोर्स चल रहा है इसको कीजिए, घर बैठे कीजिए। आजकल तो लॉकडाउन है, आई होप आप सभी घर में फ्री होंगे, सारे लोग फ्री हैं, तो ये जो छुट्टियाँ आपको मिली है इनका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो है बीच में सेंटर में डायग्राम बना रखा है और फेस के दोनों साइड पे उनके नाम लिखे हुए। एक आईज़ यहाँ पर ओपन है, ओपन आईज़ में जो पार्ट्स दिख रहे हैं आई मेकअप में फेस के, वो नाम बताए गए हैं। और दूसरी साइड की जो आई है वो क्लोज है, उसके ऊपर के नाम बताए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, थोड़ी देर होल्ड भी कर रही हूँ जिससे कि आप कॉपीज़ को अच्छे से कर सकें अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में। और बहुत ही आसान, सीधे और सरल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कोई भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे एरो बना हुआ है, ठीक है, ये होता है हमारा आईब्रो आर्च। सेकंड यहाँ पे देख रहे हो आप डॉट बने हुए हैं और एरो बना हुआ, वो होता है हमारी आईब्रो बोन। थर्ड हो यहाँ पे एक लाइन बनी है, मून टाइप का बना है, बेस ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद बनी है वहाँ पे आईलिड, उसके बाद जहाँ पे पेंसिल है वो बनी है लैश लाइन, ठीक है। तो आईलिड देख सकते हैं आप किस चीज़ को बोलते हैं, ये आईलिड है हमारी और ये हमारी अपर लैश लाइन है। जब हम बोलते हैं कि अपर लैश लाइन में ये कलर डालेंगे, लोअर लैश लाइन में ये कलर डालेंगे, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसीलिए डायग्राम बनाया गया। ये देख सकते हैं ये वाटर लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये ईयर एरिया है, ईयर चिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टोरिंग होती है, ये टीयर डक्ट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर लाइन में, टीयर डक्ट वगैरह में कि ये किस चीज़ को बोलते हैं। टीयर डक्ट देखते हैं आप, यहाँ पे काजल निकलता है, काजल लगाते हैं हम टीयर डक्ट में, ठीक है। तो दूसरी साइड आप देखेंगे यहाँ पर ये फोरहेड है, ठीक है, ये फोरहेड है, यहाँ पर हाईलाइटिंग होती है। ये है टेम्पल पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा है इनर कॉर्नर। देख सकते हैं आप ये एरो कहाँ तक जा रखा है, ये हमारा इनर कॉर्नर है। उसके बाद आप देखेंगे आउटर कॉर्नर। देखते जब हम मेकअप के थ्योरी में बोलते हैं कि आउटर कॉर्नर पे वी बनेगा, तो आपको ये डायग्राम लर्न इसलिए करना है, फिर आपको याद आएगा कि हमें वी कहाँ पे बनाना है और आउटर कॉर्नर है कहाँ पे। इस तरीके से ये आउटर कॉर्नर है, यहाँ पे ये हमारी आईलैशेस है, ठीक है, यहाँ पर आईलैशेस लगेंगी। ये हमारा अंडर आई एरिया है, अंडर आई एरिया पे जो कलर मर्जिंग होती है। ये हमारा नोज़ ब्रिज है, ये हमारी नोज़ टिप है। यहाँ पे देख सकते हैं नोज़ ब्रिज और नोज़ टिप में क्या अंतर है, ठीक है। ये हमारी चीक बोन है, ये हमारी होलो ऑफ द चीक्स है। यहाँ पर हाईलाइटिंग होती है, जहाँ पर डॉट बने हैं वहाँ पर हाईलाइटिंग होगी सारी जगह पे। अपर लिप है, ये लिप लाइन है, ये क्यूपिड बो है, ठीक है, क्यूपिड बो है। ये लाफिंग लाइंस है, तो लाफिंग लाइंस जब कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ ऐसे नाम है इनमें। कॉर्नर ऑफ द माउथ है, लाफ्टर लाइंस इनको भी बोलते हैं। जॉ लाइन, चिन, नेक, डबल चिन, ठीक है। नोज़ थ्रिल्स, तो नोज थ्रिल्स किसको बोलते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है, नोज़ के जो हमारे साइड का पार्ट होता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, जो चीज़ समझ में आया है आए वो कमेंट करके मुझे बतानी है, और नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड आपके लिए होगी। तो इतना डीप तरीके से एडवांस मेकअप कोर्स में ही सिखाया जाता है, वरना तो लोग ऐसे बेसिक में बस बड़ा बड़ा सिखा देते हैं। तो मेरा मोटिव यहाँ पर यह है, आप लोगों को मैं घर बैठे डीप नॉलेज दूँ, बहुत अच्छे से सिखाऊँ, इस तरीके से
बुक के थ्रू मैं आपको सिखाऊं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जो आपके फ्रेंड्स हैं पार्लर सीखना चाहती हैं उनको शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।